गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो वी आर इन स्टैंडर्ड फिफ्थ, आर सब्जेक्ट इज साइंस। सो आर फर्स्ट चैप्टर इज मोर अबाउट प्लांट्स। देखो रजे, इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टिविटी करेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अनसक्रैम्बल द लेटर्स। अनसक्रैम्बल्स द लेटर्स का मीनिंग क्या है कि आपको कुछ लेटर्स दिए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको अनसक्रैम्बल करना है, मतलब सही वे में आपने इसको लेकर आना है। ठीक है, तो रेकोनाइज करना है। फर्स्ट क्या है, देखो आपके पास आई एम अ सीड, थ्री लेटर्स इन माई नेम, मैं एक सीड हूँ, बीज, और मेरा नेम कितने लेटर्स का है, थ्री लेटर्स का। तो आप यहाँ पे देखो थ्री लेटर्स का कौन सा है, आपको देखते ही पता लग जाएगा ये थ्री लेटर्स का है, है ना। तो आपने इसको क्या करना है, अनसक्रैम्बल करना है। तो क्या आएगा, देखो इसका इसका आंसर आएगा आपके पास पी, मटर। ठीक है, अगर सपोज आप इसमें से टू लेटर्स को रिमूव कर देते हो तो भी ये किस तरह से साउंड होता है, देखो देखो राजे, पी सेम साउंड होता है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट जो आपके पास आंसर है, आपके पास फर्स्ट जो बॉक्स है इसका आंसर क्या है आपके पास, पी। ठीक है, सेकंड, आई एम अ फ्रूट, स्वीट इनसाइड, अपीयर रेड, मैं एक फ्रूट हूँ, फल हूँ, अंदर से कैसा हूँ, स्वीट, मीठा, और किस तरह से अपीयर होता हूँ, रेड। अब यहाँ पे देखो आप, जो रेड अपीयर होता हो और अंदर से मीठा हो तो क्या एग्जांपल आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका, वाटरमेलन। तो आपने देखा होगा ना तरबूज, अंदर से कैसा होता है, मीठा होता है, रेड होता है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन, तरबूज, बहुत सारे सीड्स होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अ फ्रूट, स्मॉल एंड जूसी, मैं एक फ्रूट हूँ, स्मॉल एंड जूसी, छोटा हूँ और जूसी हूँ, ग्रो एज अ वाइन। ग्रो एज अ वाइन का मीनिंग क्या है, वाइन रजे प्लांट्स का नेम है, प्लांट का नेम है, वाइन जो प्लांट है ये किस तरह से ग्रो करता है, जो इसकी स्टेम्स होती हैं रजे बहुत लॉन्ग होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, तो उसी तरह से ये जो फ्रूट है उसकी जो स्टेम्स हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, स्ट्रॉबेरी। आपने अनसक्रैम्बल करना है ना, एसटी स्ट्रॉबेरी, तो ये आपके पास क्या है, थर्ड बॉक्स का आंसर है। आई एम अ रूट वेजिटेबल, आई कैन मेक यू क्राई। अब देखो आपने रिकॉग्नाइज करना है इसमें ऐसा कौन सा रूट वेजिटेबल है जो आपको क्या करता है, क्राई, जिसकी वजह से आपके आईज में क्या आ जाते हैं, टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो किसकी वजह से आते हैं रजे, अनियन। ठीक है, जो प्याज है, ठीक है, ये किस तरह से ग्रो करता है रजे, रूट्स के थ्रू, ठीक है, जड़ के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास फोर्थ कॉलम का आंसर क्या है, अनियन। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, देखो अब इसमें कौन से पार्ट्स आ गए, सीड आ गया आपके पास, फ्रूट है, ठीक है, ये भी फ्रूट है आपके पास, ये क्या है, रूट है। इसी तरह से क्या करेंगे हम, स्टेम्स के बारे में स्टडी करेंगे, लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये आपके पास क्या है, मोर अबाउट प्लांट्स। ठीक है, अब देखो जो थिंग्स आती है आपके पास, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन का मीनिंग है राजी, रिप्रोड्यूस करना अपने ही जैसा,
ठीक है। अब जैसे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, इससे न्यू जनरेशन आती है, इसकी जो स्टेम्स हैं काफ़ी लॉन्ग होती हैं, तो उस स्टेम्स से आगे क्या होता है, न्यू स्ट्रॉबेरी आती है, ठीक है। तो एनिमल्स हैं जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, टू क्रिएट मोर ऑफ दियर काइंड, कि अपने ही जैसे अनेक प्रोड्यूस करना, उसे आप क्या बोलते हो, रिप्रोडक्शन बोलते हो। ब्रीफली हम इसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ कितना जानना है, प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी करना है इसमें, कि प्लांट्स की रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लीव्स के थ्रू किस तरह से प्रोडक्शन होता है, सीड्स क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है राजी। थैंक यू स्टूडेंट्स।